दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेजोन के सेलर पैनल पर जब कभी भी आपको ऑर्डर रिसीव होता है तो उसकी एक कंफर्मेशन मेल आपको रिसीव होती है। तो रिसीव होने के साथ उसके अंदर आपकी अर्निंग कितनी होती है वो भी उसके अंदर शो होता है कि आपकी टोटल इसमें अर्निंग कितनी होगी, इसका शिपिंग चार्ज कितना हो, इसमें आपको डिडक्ट किया जाएगा अमेजोन की ओर से। तो यहाँ पर मैंने अभी अमेजोन का अपना सेलर पैनल ओपन किया हुआ है और इसी में मैं आपको अपना ईमेल का जो इनबॉक्स है वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी देर पहले मुझे अभी ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो उसी की मैं यहाँ पे इस तरह की जो कंफर्मेशन मेल है वो अमेजोन की ओर से आपको जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होता है उस पर आपको रिसीव होती है। तो यहाँ पर जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्लिक करने के साथ ही आप देखेंगे कि इसके अंदर वो ऑर्डर आईडी मेंशन होता है कि कौन सा आपका ऑर्डर आईडी जो जनरेट होता है, और इसके साथ ही इसकी पूरी डिटेल यहाँ पे होती है डेट एंड टाइम के साथ में कि कौन सी डेट को आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है। इसकी बायर की जो प्राइस होती है वो यहाँ पे देखेंगे कि बायर प्राइस आप यहाँ पे 415 रुपये 25 पैसा, यानी कि ये जो बायर प्राइस होती है इसमें यहाँ पे मेंशन होती है। इसमें आपका टैक्स कितना डिडक्ट होगा वो देखेंगे, इसके अंदर टैक्स की भी डिटेल होती है और शिपिंग चार्ज इसमें कितना लग रहा है वो चीज़ भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। इसके साथ ही शिपिंग चार्ज जो लगा है उसमें टैक्स कितना आपको इसमें जो लगता है वो भी शो होता है, और अमेजोन की फीस इसमें कितनी है वो भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी अर्निंग कितनी होती है, तो अर्निंग का भी इसके अंदर जो होता है यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल इसमें इस तरह की जो कंफर्मेशन मेल होती है वो आपको इसके अंदर रिसीव हो जाती है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेरा जो कुछ अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट था इस वजह से यहाँ पे आपको आपकी अर्निंग जो है वो शो नहीं हो रही है, बाकी बेसिकली जितने भी आपके ऑर्डर आते हैं उसके अंदर आपकी अर्निंग भी डिस्प्ले हो जाती है। तो जैसे इसके अलावा कोई सेकेंडरी ऑर्डर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आज का ही एक ऑर्डर था ये वाला, जैसे इसमें मैं दिखा देता हूं। तो यहां पे आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है, यहां पे जैसे यूअर अर्निंग, तो ये जो इस तरह से दिखाया जाता है कि यहाँ पे आप देखेंगे कि बायर की जो प्राइस कितनी होती है वो यहाँ पे शो हो जाता है, टैक्स डिडक्शन इसमें दिखा देता है, शिपिंग भी दिखा देता है, शिपिंग का टैक्स है वो कितना है, अमेजोन की फीस इसमें कितनी लगती है वो चीज़ भी यहाँ पे देखने को मिलती है, आपके साथ में यूअर अर्निंग यानी आपकी इसमें अर्निंग कितनी होती है। तो अब इस तरह की जो कंफर्मेशन मेल आपकी आती है, जैसे आपको अमेजोन के सेलर पैनल पर कोई भी ऑर्डर अगर आपको रिसीव होता है तो इस तरह से मेल आपको रिसीव होती है। तो अब ये जो अमाउंट दिखाया जा रहा है क्या ये एग्जैक्ट अमाउंट होता है कि जब भी कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर्ड होता है, डिलीवर्ड होने के बाद जो पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है क्या ये इतना ही अमाउंट होता है, तो इसी की मैं डिटेल आपको जो है अपने मेल के अंदर और अमेजोन के सेलर पैनल पर दोनों ही मैं आपको इसके अंदर अभी दिखाऊंगा। तो ये तो हो गया मेल का कंफर्मेशन का। अब मैं प्रैक्टिकली आ जाता हूँ अपने अमेजोन के सेलर पैनल पे, और यहाँ पर मैं आपको अपने प्रीवियस जो है एक महीने पहले के ऑर्डर्स आपको एक दिखा देता हूँ कि जिसकी मुझे मेल भी इसमें रिसीव हुई है, और रिसीव होने के साथ उसमें जो अमाउंट दिखाया गया था मेरी अर्निंग कितनी है, और उसके साथ जब कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ, डिलीवर्ड होने के बाद मेरे बैंक अकाउंट के अंदर उसका कितना अमाउंट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ अपना अमेजोन के मेनू बटन पर क्लिक करके ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर यहाँ पे मैं जाता हूँ मैनेज ऑर्डर, और यहाँ पे मैं चला जाता हूँ सेंड में, यानी कि जो कस्टमर को जा चुके हैं, और उसी के अंदर मैं यहाँ पे जब करता हूँ सिप, जो मैं कर चुका हूँ, और सिप के अंदर आप देखेंगे कि जो एक महीने पहले के मैं ऑर्डर देखता हूँ ये तो मेरे अभी हाल ही में पिकअप हुए हैं, और जो सबसे लास्ट में मैं कोई सा भी एक रेंडमली एक लास्ट का सबसे लास्ट में जो है जिसका पेमेंट भी मुझे यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है, तो इसी में मैं जैसे ये वाला एक ऑर्डर है मेरा जो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे कि आइटम की जो सब टोटल यहाँ पे दिखा रहा है 299, यानी कि जब भी आपको ऑर्डर इसमें रिसीव होता है तो यहाँ पे दिखाता है, और ये मेरा कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर था। तो इसी के अंदर मैं जब यहाँ पे ओपन करता हूँ इसको आपको दिखा भी देता हूँ, ये प्रोडक्ट मेरा अभी अमेजोन पे लाइव है और इसको मैं सेल कर रहा हूँ 299 का। अब मैं इसी प्रोडक्ट की बात करूंगा कि इसका पेमेंट मुझे कितना इसमें रिसीव हुआ है और कितना यहाँ पे वो मेल के अंदर मुझे जो रिसीव हुई है उसमें कितनी अर्निंग दिखाता है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये जो ऑर्डर है इसको मैं कॉपी करूँगा, कॉपी करने के साथ ही मेरा जो इनबॉक्स है इनबॉक्स के अंदर मैं इस ऑर्डर आईडी को पेस्ट कर देता हूँ, और मैंने यहाँ किया एंटर। तो आप देखेंगे कि इसके अंदर यहाँ पे जो है सेम ये ऑर्डर हुआ था, इसके अंदर जो कंफर्मेशन मेल मुझे आई थी इसी के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला जो है, क्योंकि ये ऑर्डर तो कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ लेकिन ये सेम रिटर्न भी आ गया था, तो रिटर्न आने के केस में मैं आपको जो है यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये टोटल अर्निंग यहाँ पे दिखा रहा है, तो इसके अंदर 369,
तो 1 मिनट, ये वाला जो ऑर्डर था इसके अंदर ये मेरी कैटेगरी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, तो इसके अलावा मैं आपको दूसरा ऑर्डर दिखाता हूँ इसी के अंदर। जैसे ये वाला एक ऑर्डर मैं ले लेता हूँ, ये एल्यूमिनियम की बकेट है और इसी का मैं कॉपी किया, और कॉपी करने के साथ ही मैं अब इसको सर्च करता हूँ जो कि रिटर्न नहीं आया हो, क्योंकि रिटर्न आने पर थोड़ा सा जो है पेमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब ये जो ऑर्डर आईडी है मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया, और यहाँ पर मैं आपको इसका डिटेल दिखा देता हूँ। ऑर्डर आईडी चेक करेंगे आप वही है, और इसमें जो मेरी अर्निंग दिखा रही है यहाँ पे दिखाता है ये अर्निंग आपकी 460 रुपये 23 पैसा। इसमें आप देखेंगे कि टोटल इसमें जो प्रोडक्ट मैं इसको सेल कर रहा हूँ, अगर मैं इसको सेल की प्राइस भी आपको दिखा देता हूँ, इस प्रोडक्ट को जो मैं 550 में जो है इंक्लूड GST मैं इसको सेल कर रहा हूँ, यानी कि 550 के अंदर मैं इसको सेल कर रहा हूँ। तो जब 550 का मैं इसमें सेल कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे बायर की जो प्राइस आती है यहाँ पे 466 रुपये 10 पैसा आ रही है, और इसी के अंदर टैक्स जो होता है वो 83 यानी कि 84 रुपीज़ का टैक्स इसमें लग जाता है। शिपिंग चार्जेस इसमें देखेंगे आप, और इसमें शिपिंग जो होती है दोस्तों ये लोकल और नेशनल के ऊपर डिपेंड करता है शिपिंग चार्जेस। अगर आपके लोकल होता है तो शिपिंग चार्ज कम लगेगी, और नेशनल होता है तो शिपिंग चार्ज ज़्यादा लगेगी। तो इसी के अंदर आप देखेंगे अमेजोन की फीस डिडक्ट होने के बाद में ये अर्निंग दिखाता है 460 रुपये 23 पैसा। अब ये ऑर्डर जो था कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड भी हो गया, और इसकी पेमेंट जो है मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी हो गई। तो अब मैं इसी ऑर्डर आईडी को जो है जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है सेम अमेजोन के सेलर पैनल पे आके, और अब मैं यहाँ पे अब इसका जो पेमेंट सेक्शन है वो यहाँ पे चेक करूंगा। तो पेमेंट के लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापस मेनू बटन पे क्लिक करके, और यहाँ जो होता है इसके अंदर रिपोर्ट, और रिपोर्ट के अंदर होता है पेमेंट, और पेमेंट के अंदर अब यहाँ पे जो ऑर्डर आईडी है यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा, जो मेरा ऑर्डर नंबर था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, और यहाँ पे करूँगा सर्च। तो अब ये देखेंगे कि एल्यूमिनियम की बकेट थी, और बकेट होने के साथ ही अब जो मेरे को अर्निंग इसमें दिखाई थी मेल के अंदर, मैंने आपको बताया था 460 रुपये 23 पैसे की अर्निंग है अमेजोन की ओर से दिखाया जा रहा है कि आपको जो अर्निंग होती है 460 रुपये 23 पैसा। अप्रोक्स यहाँ पर मैं मान के चलता हूँ कि 450 की इसमें अर्निंग दिखाई हुई है, कि भाई आपको इसके अंदर प्रॉफिट सारा डिडक्शन होने के बाद में 460 रुपये की आपकी अर्निंग होगी। तो अब यही चीज़ है यहाँ पे मैंने ये वाला ऑर्डर है, या आप देखेंगे ऑर्डर आईडी इसके अंदर जो मैंने कॉपी पेस्ट किया था सेम वही ऑर्डर आईडी है। और अब मैं इसके अंदर आपको इसकी डिटेल पे जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया, और क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पे पूरी डिटेल दिखाएगा कि इसके अंदर अमेजोन के इसके चार्जेस कितने हैं, और टोटल आपके अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट क्रेडिट होता है। तो अब आप यहाँ पर मैं जब स्क्रोल डाउन करता हूँ, स्क्रोल डाउन करने पर आप देखेंगे कि टोटल इसके अंदर जो है यहाँ पे मेरी जो है सेल इसमें जो प्रोसीड हुआ था टोटल 620 रुपये का इसमें हुआ था, यानी कि जो इनवॉइस जो इसमें क्रिएट हुआ था 620 रुपये का हुआ था, और डिडक्शन होने के बाद ये जो फाइनल अमाउंट होता है यानी कि चेंजेज होता है इसके अंदर, जब सेलर का अकाउंट बैलेंस जो होता है आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये अमाउंट आ रहा है 454 रुपये 97 पैसा, यानी अप्रॉक्स मुझे इसके अंदर जो मेरे अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट हुआ है वो हुआ है 455 रुपये। तो ये वाली चीज़ होती है दोस्तों कि इसमें आपको अप्रॉक्स यानी कि 455 रुपये का अमाउंट मुझे इसके अंदर मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ है इस ऑर्डर आईडी का, और ये ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर्ड हुआ, डिलीवर्ड होने के बाद में ये रिटर्न भी नहीं हुआ है, और रिटर्न नहीं होने पर ये अमाउंट आपको यहाँ पर दिखता है। कोई भी अगर अमेजोन का आपका ऑर्डर होता है तो अगर उसका आपको पेमेंट सेक्शन चेक करना होता है तो प्रोसेस आपको यही फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 455 रुपये का अमाउंट जो है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हुआ था, और इसमें मेरी अर्निंग यहाँ पे दिखाई हुई है कि आपकी अर्निंग 460 रुपये 23 पैसा, यानी कि अप्रोक्स मैं मान के चलता हूँ कि जो कन्फर्मेशन मेल आपकी यहाँ पे आती है उसका जितना अमाउंट होता है यानी उसकी एक्यूरेसी अप्रोक्स 99% जो होता है आपका अमाउंट वही इसके अंदर क्रेडिट होता है, यानी कि 10 से 20 रुपए का इसमें मेजर जो इतना डिफरेंट नहीं होता है, केवल 10 से 20 रुपए या मैक्सिमम हो सकता है 30 से 40 रुपए का इसमें आपको डिफरेंट देखने को मिले, लेकिन ये जो अमाउंट यहाँ पे शो होता है लमसम आपको उतना ही आपके बैंक अकाउंट के अंदर अमेजोन की ओर से क्रेडिट किया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक गाइडलाइन थी अमेजोन के जो ऑर्डर होते हैं उस ऑर्डर्स का पेमेंट आप कैसे चेक करेंगे, और चेक करने के साथ ही जो कन्फर्मेशन मेल आपको रिसीव होती है उसमें जो जितना अमाउंट शो करता है तकरीबन अमेजोन आपको उतना ही अमाउंट बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट करता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।